लेकिन ये हिंदुओं को जगाने वाले ये नहीं बता रहे कि वो जाके करे क्या। कन्हैया लाल जाग गए थे, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा लिख दिया, गला काट दिया उनका। एक छोटा बच्चा देवराज जाग गया था, खुद देशभक्ति के गाने गाता था, चाकू से गोद गोद की हत्या हो गई। कमलेश तिवारी जाग गए थे, हिंदू हित की बात करने लग गए थे, चाकू से गोद गोद की हत्या हो गई। और कमलेश तिवारी से कन्हैया लाल तक जितने भी जिहादियों ने हत्या किया, आज तक न उनकी 100% संपत्ति जब्त हुई, न उनको फांसी हुई, न उनकी नागरिकता खत्म हुई। अब हिंदू जाग के क्या करे? क्या जिन्होंने कमलेश तिवारी को मारा हिंदू जाग के जाके उनकी हत्या कर दे, या जिसने कन्हैया लाल को मारा हिंदू जाग के उसकी हत्या कर दे? समझ में नहीं आ रहा, हिंदू जाग के करे क्या? आप क्या चाहते हो, हिंदू जाग जाए और भारत में 18-18 बच्चे पैदा करना शुरू कर दे? आप ये चाहते हो कि हिंदू जैन बौद्ध सिख ये भी 18-18 बच्चे पैदा करे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित ये भी 18-18 बच्चे पैदा करें? चलो ठीक, 18 बच्चे पैदा करेंगे, 20 बच्चे पैदा करेंगे, बेरोजगारी आप दूर करोगे, कुपोषण आप दूर करोगे, प्रदूषण आप दूर करोगे, शुद्ध दूध आप दे पाओगे, शुद्ध फल आप दे पाओगे, शुद्ध आटा दे पाओगे, शुद्ध सब्जी दे पाओगे? नहीं, तो हम दो हमारे दो की मांग करो। ये जागो हिंदू करके क्या मिल रहा है? आप धर्मांतरण एक बहुत बड़ी समस्या है, हिंदू जाग के धर्मांतरण कैसे रोक सकता है? अरे धर्मांतरण कराने के लिए विदेशों से फंडिंग आ रही है, हिंदू जागने के बाद भी फंडिंग तो रुकेगी नहीं। हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है क्योंकि कानून घटिया है, एफसीआरए के जरिए फंडिंग आ रही है क्योंकि एफसीआरए 2010 में कांग्रेस ने बनाया इसीलिए था। अंदर से जो ड्रग स्मगलिंग का पैसा आ रहा है वो धर्मांतरण में खर्च हो रहा है, हिंदू जाग के उसको भी नहीं रोक सकता। हिंदू जाग के करे क्या? चंगाई सभा होती रहती है, वो 100 नंबर पर फोन करता है, पुलिस आती है, थोड़ी देर के लिए चंगाई सभा रुक जाती है, बाद में चंगाई सभा वाले पैसा दे देते हैं, मुकदमा भी नहीं होता। अब आप चाहते हो कि हिंदू जागे और जाके जो लोग चंगाई सभा करते हैं, जो धर्मांतरण कराते हैं, उनके ऊपर हमला कर दे। चलो हमला कर भी देगा, उसके खिलाफ जब मुकदमा हो जाएगा आप बचाने आओगे क्या? तो अगर वास्तव में आप चाहते हो जनसंख्या विस्फोट रुके, जिसके कारण भारत की डेमोग्राफी बदल रही है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करो। हिंदुओं को जगा के क्या मिलेगा? अरे जागो सांसद जागो बोलो, जागो विधायक जागो बोलो, जागो मंत्री जागो बोलो, जागो मुख्यमंत्री जागो बोलो, जागो सरकार जागो बोलो। सरकार सांसद विधायक को नहीं जगाएंगे, बस जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन पुलिस एनएसए नहीं लगाती क्योंकि एनएसए में कहीं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्या खतरा हो डिफाइंड नहीं है। धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, फिर भी पुलिस यूपीए नहीं लगाती। धर्मांतरण वेजिंग वॉर है, फिर भी वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगती। धर्मांतरण देशद्रोह है, फिर भी पुलिस देशद्रोह की धारा नहीं लगाती। धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, फिर भी पुलिस गंगे सट नहीं लगाती। अब हिंदू जाग के ये धाराएं नहीं लगवा सकता, ये धाराएं तब पुलिस लगाएगी जब गृह मंत्रालय से देश की सभी राज्य सरकारों को बाकायदा एक सर्कुलर जाएगा कि भैया जब जब धर्मांतरण हो उनके खिलाफ एनएसए लगाइए, यूएपीए लगाइए, वेजिंग वॉर की धारा लगाइए, देशद्रोह लगाइए, इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाइए, इनके ऊपर मकोका घुसकोका लगाइए, इनकी 100% संपत्ति जब्त करिए, इनकी नागरिकता खत्म करिए, इनको आजीवन कारावास फांसी दीजिए, इनके लिए स्पेशल कोर्ट में इनका मुकदमा चलवाइए। धर्मांतरण तब रुकेगा जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब होगा, कानून बनेगा। फटाफट इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, इनको सजा दे दीजिए। धर्मांतरण तब रुकेगा जब विदेशी फंडिंग रुकेगी, विदेशी फंडिंग तब रुकेगी जब हवाला बंद होगा, एफसीआरए खत्म होगा। तो हवाला चल रहा है क्यों? क्योंकि कानून घटिया है। विदेशी फंडिंग आ रही है क्योंकि एफसीआरए चल रहा है। तो हिंदू जाके करे क्या? तीसरा जो सबसे बड़ा, पहला खतरा जनसंख्या विस्फोट, दूसरा खतरा धर्मांतरण, तीसरा खतरा जो सबसे बड़ा खतरा है घुसपैठ। 5.5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, कुछ हिंदू जागे थे, जाके उन्होंने घुसपैठियों की झुग्गी पे थोड़ा सा उनसे बात विवाद कर लिया, और जिन्होंने घुसपैठियों के झुग्गी पे जाके हंगामा किया था वो जेल में है। आप छुड़ाने आओगे क्या? घुसपैठिए जेल नहीं गए, घुसपैठियों को तो झुग्गी के बदले मकान मिला है दिल्ली में। हां, जो लोग घुसपैठियों को जगाने हिलाने गए थे, जो घुसपैठियों को भगाने गए थे, वो जेल में बैठे हुए। अब हिंदू जाग के क्या करेगा? घुसपैठ कैसे रोक लेगा? वो बॉर्डर पे जो 2000 रुपए देकर घुसपैठियों को अंदर आने देते हैं, उसको हिंदू जागा हिंदू कैसे रोक लेगा? अंदर आते हैं 2000 रुपए में जो आधार बनवा लेते हैं, उसको हिंदू कैसे रोक लेगा? 2000 रुपए में दलाल उनका ड्राइविंग लाइसेंस बना देता है, 2000 रुपए में उनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवा देता है, 2000 रुपए में उनका आधार बन जाता है, 2000 रुपए में उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है, 3-4 हजार रुपए में उनका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। ये हिंदू जाग के क्या कर लेगा? भ्रष्टाचार रोक देगा क्या? कैसे रोक देगा हिंदू भ्रष्टाचार? अरे वास्तव में अगर घुसपैठ रोकना है तो घुसपैठियों और उनके मददगारों के खिलाफ कठोर कानून बनाइए। घुसपैठ तब रुकेगी जब
जो लोग घुसपैठियों की मदद करते हैं, चाहे आधार बनाते हैं, चाहे राशन कार्ड बनाते हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, चाहे वोटर आईडी बनाते हैं, जो भी करते हैं, जब उनकी 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनेगा। घुसपैठ तब रुकेगी जब पूरे बॉर्डर का, जो भारत का बॉर्डर है, वहां जगह जगह बोर्ड लगा दिया जाएगा, भारत में अवैध घुसपैठ करना गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पे 10 से 20 साल सजा होगी। हर जगह बोर्ड लगा दीजिए बॉर्डर पे, घुसपैठी देख के वहीं से पीछे चले जाएंगे, अंदर आएंगे ही नहीं। अंदर क्यों आते हैं? क्योंकि घुसपैठियों के खिलाफ हमारे पास कोई कानून नहीं है, इसलिए आते हैं। कानून बनाइए, देखिए घुसपैठ रुक जाएगी। आप घुसपैठ को देशद्रोह घोषित करिए, आप घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, आप घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करिए, आप घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर करिए, पूरे देश की पुलिस को एक सर्कुलर भेजिए कि भैया जो घुसपैठिया पकड़े और जो उसका मददगार मिले उसके खिलाफ एनएसए लगाओ, यूएपीए लगाओ, देशद्रोह की धारा लगाओ, वेजिंग वॉर की धारा लगाओ, उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाओ, गुजकोका मकोका जो भी है उस राज्य का कानून है वो लगाओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाओ, इनको सजा दिलवाओ, घुसपैठ रुक जाएगी। इसमें हिंदू जाग के कैसे क्या कर लेगा? करना सरकार को है, करना सांसदों विधायकों को है, करना गृहमंत्री को है, करना कानून मंत्री को है, काम उनका है। रोकना जो है पुलिस को है, थानेदार को है, हवलदार को है, कप्तान को है, कलेक्टर को है। इसमें जाग के हिंदू क्या करेगा? जाके उनको लाठियों से पीटना शुरू करेगा क्या? चौथा जो सबसे बड़ा खतरा है, ये मदरसा और मिशनरी स्कूल और मैकाले एजुकेशन सिस्टम है। अब मदरसा जो चल रहा है, मैकाले स्कूल जो चल रहा है, जो मिशनरी स्कूल चल रहा है, इसको तो सरकार को राइट टू इक्वल एजुकेशन कानून बनाना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। उसमें हिंदू जाके क्या कर लेगा? आप बताओ मुझे क्या करेगा हिंदू? सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार। पूरे देश में जितनी देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, माओवादियों की फंडिंग कालाधन हवाला से होती है, अलगाववादियों की फंडिंग कालाधन हवाला से होती है, जासूसों की फंडिंग कालाधन हवाला से होती है, गद्दारों की फंडिंग कालाधन हवाला से होती है, कश्मीर के अलगाववादियों की फंडिंग कालाधन हवाला से होती है, पूरे देश में जितने भी अलगाववादी संगठन है, जितने भी भारत विरोधी संगठन है, हिंदू विरोधी संगठन, सबकी फंडिंग कालाधन हवाला से होती है, खालिस्तानियों की फंडिंग कालाधन हवाला से होती है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। कालाधन विरोधी कानून हमारा महाघटिया, हवाला विरोधी कानून हमारा महाघटिया, भ्रष्टाचार विरोधी कानून हमारा महाघटिया। संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए, पूरे देश में जितने सफेद पोष बैठे हुए हैं इनकी पूरी आय श्रिक संपत्ति पता चल जाएगी, बेनामी संपत्ति पता चल जाएगी। एक कानून बना दीजिए कि जिसके पास कालाधन मिला, जिसके पास बेनामी संपत्ति मिले, जिसके पास आय श्रिक संपत्ति मिली, उसको 100% जब्त करेंगे, आजीवन कारावास फांसी देंगे, आधे ऐसे भाग जाएंगे। अल्टीमेटली भारत को जाति के आधार पर कौन तोड़ रहा है? उत्तर प्रदेश के 2-3 परिवार हैं, बिहार के 2-3 परिवार हैं, तमिलनाडु में 1 परिवार है, 2 परिवार है, मान लीजिए केरल में 1-2 परिवार है, बंगाल में 1-2 परिवार है, सबसे बड़ा परिवार दिल्ली में बैठा हुआ है, गांधी परिवार, जो जाति का जहर घोल रहा है, जाति के आधार पर घोल रहा है। ये बाहर क्यों है? मैं ये पूछ रहा हूं, संपत्ति को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाने में क्या समस्या है? संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए, 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बन जाए, सरकार को बैठे बैठे पता चल जाएगा अब्दुल्ला परिवार के पास कितनी बेनामी संपत्ति है, महबूबा परिवार के पास कितनी बेनामी संपत्ति है, बादल परिवार के पास कितनी बेनामी संपत्ति है, हुडा फैमिली के पास कितनी बेनामी संपत्ति है, गांधी परिवार के पास कितनी बेनामी संपत्ति है, सैफई परिवार के पास कितनी बेनामी संपत्ति है, स्टालिन फैमिली के पास कितनी बेनामी संपत्ति है, ममता परिवार के पास कितनी बेनामी, सबका मिल जाएगा। और बस उसके बाद एक कानून बना दिया जाए, भैया हम सबका जिसके पास कालाधन बेनामी संपत्ति मिल रही है उसको हम नार्को पॉलीग्राफ लेने में पेन टेस्ट करेंगे, और टेस्ट में कंफर्म हो गया हम आजीवन कारावास फांसी देंगे, 100% संपत्ति जब्त करेंगे, नागरिकता खत्म करेंगे, आजीवन कारावास फांसी देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये जो भारत में जाति का जहर घोलने वाले 100 परिवार है ना, जो भारत में भाषा के आधार पर लड़ाने वाले 100 परिवार है, या भारत में क्षेत्र के आधार पर जो जहर घोलते रहते हैं, या भारत में अगड़ा पिछड़ा करते रहते हैं, दलित बनाम संवर्ण करते रहते हैं, ये सारे भारत छोड़ के भाग जाएंगे। हिंदुओं के जागने से भारत छोड़ के भागेंगे नहीं, कानून बनाने से भारत छोड़ के भागेंगे। तो कानून बनाना पड़ेगा। आपको बोलना चाहिए जागो सरकार जागो, आपको बोलना चाहिए जागो सांसद जागो, आपको बोलना चाहिए जागो मंत्री जी जागो, जागो मुख्यमंत्री जागो, आप क्या कह रहे हो? जागो हिंदू जागो जागो। अरे हिंदू जाग के कौन सी समस्या खत्म करेगा? एक समस्या मुझे बता दो जो हिंदू जाग के खत्म कर सकता है। ड्रग स्मगलिंग कारण हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे, स्कूल कॉलेज हर जगह सारे ड्रग बिक रहे, यंग जनरेशन पूरी बदबार हो रही है, पूरा ड्रग का कारोबार एक पर्टिकुलर जानते हैं सब लोग कौन करता है, कहां से आ रही है ड्रग, और सबसे ज्यादा ड्रग कंजम्पशन कहां हो रहा है? हिंदू जैन बौद्ध सिख के लड़के ले रहे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित के बच्चे ले रहे हैं। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बच्चे दलित के बच्चे नशेड़ी हो रहे हैं, हिंदू जैन बौद्ध सिख के बच्चे नशेड़ी हो रहे हैं, और इस नशे से जितना पैसा आ रहा है
वो सारा एक जगह जा रहा है, भारत विरोधियों के पास जा रहा है। तो हिंदू जाग के नशा तस्करी कैसे रोक सकता है? अरे नशा तस्करी तब रुकेगा जब नशा तस्करी को आप देशद्रोह घोषित करिए, नशा तस्करी को आप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए, नशा तस्करों को जो है आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून बनाइए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, इनका टेस्ट करिए, इनको फांसी दीजिए, देखिए सही मामला ठीक हो जाएगा, नशा तस्करी रुक जाएगी। नशा तस्करी रुक जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है सनातन धर्म मजबूत होगा, उसमें हिंदू जाग के क्या करेगा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, 1 लाख से ज्यादा लड़कियां अकेले महाराष्ट्र से लफ्ज हाथ के शिकार हो चुकी है, 1 लाख से ज्यादा, एक राज्य से, सोच लीजिए जरा, पीएल चल रही है वहां पे। ऐसे केरल में घटना आई है कि यहां उड़ीसा, असम, बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल के 5 राज्यों के गरीब बच्चों को किडनैप किया गया, 60,000 बच्चों को ले जाया गया केरल में और वहां उनको कन्वर्ट कर दिया गया यतीम खानों में रख के। अब आप ये बताओ ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती क्यों होती है? लोग बच्चों को किडनैप करने में खौफ क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारा कानून सड़ा हुआ है, हमारा कानून वहां घटिया है, हमारे बच्चे अश्लीलता के चक्कर में बर्बाद हो रहे। अश्लीलता रोकना किसका काम है? सरकार का काम है। कानून बनाना किसका काम है? सरकार का काम है। हिंदू जाग के क्या अश्लीलता रोक देगा? ये जो ट्विटर पे अश्लीलता फैल रही है, इंस्टाग्राम पे फैल रही है, ओटीटी पे फैल रही है, वेब सीरीज के माध्यम से फैल रही है, सीरियल के माध्यम से फैल रही है, फिल्मों के माध्यम से फैल रही है, नाटक के माध्यम से फैल रही है, इस अश्लीलता को हिंदू जाग के कैसे रोक लेगा? इसके लिए तो कानून बनाना पड़ेगा। हमारे बच्चे सनातन संस्कृति भूलते जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने पूरे मैकाले एजुकेशन सिस्टम बना रखा है। अंग्रेजों ने जो सीबीएसई बोर्ड बनाया उसको हमने आज तक खत्म ही नहीं किया, उसको बदला ही नहीं, आज भी चल रहा है वो सीबीएसई बोर्ड 1926 में जो शुरू हुआ था। हम एक भारतीय शिक्षा बोर्ड नहीं बनाए, हम वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड नहीं बना सके, हम वन नेशन वन सिलेबस नहीं लागू कर सके, हम वन नेशन वन करिकुलम नहीं लागू कर सके, हम यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू नहीं कर पाए। हमने वेद की ऋचाओं को स्कूल में डाला नहीं, हमने गीता रामायण को स्कूल में पढ़ाया नहीं, तो फिर उसमें हिंदू जाग के क्या कर लेगा? अगर भारत में जितनी समस्याएं हैं इसमें कोई एक समस्या बताइए जो हिंदू जाग के ठीक कर देगा। और मैं कह रहा हूं भारत की 80% समस्याओं को, 80% समस्याओं को 1 साल में खत्म किया जा सकता है, 1 साल में, केवल कानून बनाने की जरूरत। आखिर क्या कारण है कि भारत में हिंदू असुरक्षित है लेकिन दुबई में, भारत में हिंदू 80% है फिर भी अनसेफ फील करता है, दुबई में हिंदू मात्र 15% है फिर भी सेफ है? जो समस्या भारत में है वो दुबई में क्यों नहीं है? भारत में अवैध निर्माण होता है, सड़क के किनारे मजार बनती है, दरगाह बनती है, पक्का कब्रिस्तान बनता है, खाड़ी देशों में क्यों नहीं बन जाती? भारत में यहां पे लफ्ज जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, दुबई में क्यों नहीं हो जाता? आप जरा इसको समझिए, भारत की कोई समस्या लाइलाज नहीं है, लेकिन जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू करके कुछ नहीं होगा। जागो सरकार, जागो, जागो सांसद, जागो, जागो विधायक, जागो, आपको ये कहना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप पे वीडियो फॉरवर्ड करके कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जाइए संडे के दिन, एक दिन जाइए, सांसद को पकड़िए और उससे, ये सांसद से पूछिए कि जो समस्या भारत में है ये सिंगापुर में क्यों नहीं है, जापान में क्यों नहीं है, चीन में क्यों नहीं है, अमेरिका में क्यों नहीं है? जो समस्या भारत में है वो दुबई में क्यों नहीं है, कुवैत में क्यों नहीं है, बहरीन में क्यों नहीं है? उससे ये पूछिए कि भारत में इतनी नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, बाकी और जो अपराध हैं, ये चीन, जापान, सिंगापुर, दुबई में क्यों नहीं है? तो सांसद को जगाइए, विधायक को जगाइए, मंत्री को जगाइए, कलेक्टर कप्तान को जगाइए, सरकारों को जगाइए। हिंदू जाग चुका है, उसको पता है, लेकिन जागने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता। जागा हुआ हिंदू न धर्मांतरण रोक सकता है, जागा हुआ हिंदू घुसपैठ नहीं रोक सकता, जागा हुआ हिंदू बम विस्फोट नहीं रोक सकता, जागा हुआ हिंदू जनसंख्या विस्फोट नहीं रोक सकता, जागा हुआ हिंदू माओवाद खत्म नहीं कर सकता, जागा हुआ हिंदू अलगाववाद खत्म नहीं कर सकता, जागा हुआ हिंदू धर्मांतरण नहीं रोक सकता, जागा हुआ हिंदू रोहिंग्याओं को नहीं भगा सकता, जागा हुआ हिंदू बांग्लादेशियों को नहीं भगा सकता, जागा हुआ हिंदू नशा तस्करी नहीं रोक सकता, जागा हुआ हिंदू मानव तस्करी नहीं रोक सकता, कुछ नहीं कर सकता। ये सारे काम सरकार को करना पड़ेगा, सारे काम कानून बना के करना पड़ेगा। और कानून बनाने के लिए सांसदों को जगाइए, विधायकों को जगाइए, मंत्रियों को जगाइए, जाके उनसे मिलिए, व्हाट्सएप पे वीडियो फॉरवर्ड करके, सोशल मीडिया में फॉरवर्ड करके, कुछ नहीं।